जी, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और दो दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव दो महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप पौने पाँच साल गायब रहो सदन के अंदर, सदन के बाहर लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों चारों स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। राजस्थान के अंदर किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है और हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आंकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएं। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं इसमें संशोधन की जरूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करने सिर्फ वावाई लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते और वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे, इसमें अड़चन क्या थी? लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने का। सर, क्या राजस्थान में जो अनुशासनहीनता के जो मामले थे वो ठंडे बस्ते में चल गए? इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस AICC ने इशू किया था 1 साल पहले, उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है AICC देगी। वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। किसको असमंजस है? देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी AIC से लेती है, कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी लेने की लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो, इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। परिवर्तन यात्रा में नहीं है, उसको लेकर क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखिए, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन यात्रा में आमंत्रित है, कौन नहीं है, किसकी फोटो पोस्टर पे है, नहीं है, किसको क्या पद मिलेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मोटी बात यह है कि राजस्थान के लोग आज आहत महसूस करते हैं कि जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं उन्होंने, धरातल पर जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। अब किस नेता को वो अपने साथ रखते ही नहीं रखते, ये उनकी अपनी इच्छा है। केंद्र पॉलिटिकल फायदे के लिए कहते हैं राजस्थान का विखंडन कर रहा है, मैंने कहा ना, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब विशेष सत्र बुलाया, पहले बताना चाहिए था क्यों नहीं, क्यों बुला रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग होती। अब जब महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम राय है तो ये लुका छुपी का खेल क्यों खेला गया? छुप छुप कर रात में अनाउंस करना और ये सस्पेंस बना के रखना, विशेष सत्र बुलाना, इस तरह के सगुफे छोड़ देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की, नौजवान की, महंगाई की, डेवलपमेंट की, वो इशू पे भाजपा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है केंद्र सरकार की। और राजस्थान में भी भाजपा, मैं समझता हूँ, मुद्दाहीन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों से चुनाव लड़ने के लिए आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज्यादा बड़ी जीत होगी, हमारी सरकार पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज्यादा मिलेगा।